कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे। और खटाखट खटाखट योजना के माध्यम से इसे बोलना चाहिए, कहा है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहन और भाइयों, समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है। जिससे देश को कमजोर किया जा सके, देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा। सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे।